नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर ही आपको बताना चाहूंगा कि अगर पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, पिछली दो क्लासेस हो चुकी है, अगर वो नहीं देखी हो तो वो जरूर देखें, फिर तीसरी क्लास पे आए, ठीक है? पूरा सिक्वेंस फॉलो करें आप, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा, वही क्वेश्चन मेरे पास यहाँ शीट में, मैं वहां देख नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में लिखा है, बना हुआ है, वो तो है ही सही, लिखा क्या है पहले वो देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर थ्री सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं पर तीन अर्धवृत्त बनाए गए हैं। तीन सेमी सर्कल, तीन अर्धवृत्त, इसमें आपको दिख रहे हैं कहीं तीन सेमी सर्कल? कुछ लोगों को तो पांच पांच सेमी सर्कल दिख रहे होंगे, पांच पांच अर्धवृत्त दिख रहे होंगे, ठीक है? तो दोस्तों, कंफ्यूजन में यहीं से दूर करता हूं, पहली लाइन ध्यान देना आप लोग। ये बोल रहे हैं तीन सेमी सर्कल है, ठीक है? वो तीन सेमी सर्कल कौन से हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है? देखिए आप लोग यहां पे क्वेश्चन, फिर आगे का हम लोग देखेंगे आराम से। दोस्तों, इन्होंने एक लाइन तो ये बनाई हुई है, ठीक है? ये मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, वहां से जोड़ते जाइएगा, है ना? एक लाइन ऐसी है, इस पे इन्होंने एक सेमी सर्कल तैयार किया हुआ है, अब जैसे मैं दूसरा बनाऊंगा ऐसे आपको समझ में आने लगेगा। एक लाइन यहां है हमारे पास, दोस्तों वो वाला सेमी सर्कल मैंने ब्लैक से बनाया था, और अब अगला सेमी सर्कल जो है वो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है? ये देखिए, एक सेमी सर्कल दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है, ठीक है? ये ऐसा कुछ, ये ब्लू वाला। और दोस्तों, एक और सेमी सर्कल इन्होंने कहां बनाया हुआ है, तो देखिए यहां से एक लाइन यहां कनेक्टेड, डायमीटर वाली, व्यास वाली, ये। और एक सेमी सर्कल इन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये, ठीक है? तो दोस्तों, ये अलग अलग कलर से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि तीन सेमी सर्कल कौन से हैं, ठीक है? एक तो ये ब्लैक वाला सेमी सर्कल दोस्तों, एक ये ब्लू वाला सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, और एक दोस्तों ये रेड वाला सेमी सर्कल, ठीक है? तो ये तीनों सेमी सर्कल की यहां पे बातें हो रही है, ठीक है? अब दोस्तों देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसका नाम ए दिया है इन्होंने, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया, और यहां पर 90 बन रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? यही कुछ है कहानी, ठीक है? और दोस्तों, हमसे कौन सा एरिया पूछा है, तो शेडेड पार्ट देख रहे हैं आप लोग, शेडेड एरिया जो छायांकित भाग है वो एरिया कौन सा है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो वो एरिया ये वाला है शायद, इधर ये वाला है, ठीक है? और उधर की अगर हम बात करें कि उधर कौन सा है, तो उधर ये वाला है, ऐसा ही कुछ पूछा जा रहा है कि इसका एरिया निकाल के बताओ, जबकि हमें तीनों साइड्स बताई गई है, ए बी बराबर स्मॉल ए, ए सी बराबर स्मॉल बी, और बी सी बराबर स्मॉल सी, ठीक है? दोस्तों, ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये रुकिए, अभी हम इसका इस्तेमाल थोड़ी बाद में करेंगे, अभी आप लोग समझिए, हमें किसी भी हाल में ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो दोस्तों, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, देखिए क्वेश्चन इधर ऑलरेडी है आपके सामने, मैं दो मिनट के लिए ये साफ कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे पहले 2011 या 12 में सीडीएस ने पूछा था, उसके बाद ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 ने भी पूछा हुआ है, ठीक है? डेटा चेंज है, अभी आपके सामने आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है? तो दोस्तों, ये आगे भी रिपीट हो सकता है सीएचएसएल और सीपीओ एग्जाम्स में, ठीक है? क्योंकि जो चीज सीडीएस और टीयर 2 पूछता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके सीएचएसएल और सीपीओ में थोड़ी सी रिपीट होती है। तो दोस्तों देखिए, आप ये तो समझ गए कि हमें एक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है, अब हम मेरी बात अच्छे से सुनिए शांति से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए आप लोग दोस्तों, सबसे पहले ये ब्लू वाला जो सेमी सर्कल है ना, ब्लू वाला, ये मैं इधर बना रहा हूं, देखिए आप लोग, ये बना दिया मैंने कौन सा सेमी सर्कल, ब्लू वाला, ठीक है? अच्छा, ये ब्लू वाला मैं आपको यहां बता देता हूं, ये रहा ब्लू वाला। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अभी दो मिनट के लिए भूल जाइए मेरी बात को, ध्यान देना, ये ब्लू वाला सेमी सर्कल, ये मैंने यहां बना था ब्लू वाला, ठीक है दोस्तों? यही ब्लू वाला मैंने यहां ले लिया। अब देखिए प्लस, मैं क्या करूंगा, इस पूरे पे झाड़ू फेर दूंगा, इस पे तो मैंने झाड़ू लगा ही दी है, ये इस पे तो पूरी झाड़ू लगा दी मैंने यहां पे,
अब मैं इस ट्रेंगल को ले लेता हूं, अगला हिस्सा हमारे पास ट्रेंगल है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा अगला हिस्सा ट्रेंगल, ठीक है। इस ट्रेंगल पे भी मैं झाड़ू लगा देता हूं, ठीक है, और इस पे मैं लगा देता हूं ब्लैक कलर से। ये देखिए आप, ये ब्लैक कलर से लगा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस, बस एक एरिया और बच जाता है हमारे पास, वो कौन सा बचता है, ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, रेड कलर का सेमी सर्कल है ये, रेड से ही बना देते हैं ये वाला सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये रेड वाला, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्से, इन तीनों हिस्से ने पूरा कवर कर लिया है, ये हमने पूरा कवर करवा दिया, तीनों को ऐड कर दिया, ये हिस्सा ट्रेंगल का हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा कवर हो गया। लेकिन हमसे पूरा पूछा किसने है, पूरा तो पूछा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों देखो, जो एरिया इन्होंने पूछा है ना, इन्होंने बस ये वाला पूछा है, ऊपर वाला, ये वाला, देख रहे हैं आप लोग, इधर क्वेश्चन होगा अभी आपके सामने। अब दोस्तों मुझे बताओ, इस पूरे में से, मान लो इस पूरे में मैंने कलर बिछा दिया है चारों तरफ, इस पूरे में मैंने कलर बिछा दिया है, अब दोस्तों मुझे कलर कहां से साफ करना चाहिए कि वो वाला एरिया आ जाए जो ये लोग पूछ रहे हैं। इनको बस ये वाला एरिया चाहिए, ये ऊपर ऊपर वाला। तो दोस्तों मतलब ये जो ब्लैक लाइन जा रही है ना, ये ब्लैक लाइन, ये जो सेमी सर्कल है ब्लैक वाला, इसमें से पूरा कलर साफ करना पड़ेगा हमें, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ। मतलब कि ये ब्लैक वाला पूरा का पूरा अगर हम माइनस कर देते हैं इस पूरे में से, इस पूरे में से, मतलब ये तीनों के तीनों यहां है, अगर इन तीनों में से हम ये ब्लैक वाला सेमी सर्कल माइनस कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सेमी सर्कल माइनस कर देते हैं हम लोग, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला सेमी सर्कल अगर माइनस कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसको हटा देता हूं ब्लैक वाले को, ये देखिए मैं ब्लैक वाले सेमी सर्कल को हटा रहा हूं, अर्धवृत्त को मैं हटा रहा हूं, ये हटा दिया मैंने ब्लैक वाला सेमी सर्कल अर्धवृत्त, ठीक है ये दोस्तों। तो जैसे ही मैंने ये माइनस किया यहां से, ऐसे ही हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ मुझे आप लोग, समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमें यह तो पता चल गया कि किसमें से किसको जोड़ के किसको माइनस करना, यह पूरी कहानी रही हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों हमें यह करना है, एक दो तीन, इन तीनों ने पूरा एरिया कवर किया हुआ था, उसमें से अगर हम ये एरिया माइनस कर देंगे, ये सेमी सर्कल का माइनस कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा हमारे पास जो वो लोग पूछ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया क्लियर आप लोगों को। अब देखिएगा आप लोग, ध्यान देना, अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो ए बी बराबर हमें स्मॉल ए दिया है, ए सी बराबर हमें स्मॉल बी दिया है, और बी सी बराबर हमें स्मॉल सी दिया है, ठीक है। और यहां जो एंगल था वो कितना था, 90 था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे समझिएगा, एक बहुत शॉर्टकट निकलेगा अभी, जिससे तुरंत सामने आंसर, जैसे बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आया ना, तो आप तुरंत ऑप्शन में देख के बता दोगे कि हाँ ये आंसर है इसका, उसके लिए पहले आप डिटेल समझिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये ब्लू कलर वाला जो है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये वाली ब्लू लाइन, ये पूरी ब्लू लाइन एक ही है, मतलब ये पूरी ब्लू लाइन एक ही है, स्मॉल ए लेंथ है इसकी, लंबाई स्मॉल ए है। तो दोस्तों इस, ये डायामीटर है, अगर डायामीटर की लंबाई स्मॉल है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a बाई टू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बताओ मुझे, a बाई टू, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो कुछ नहीं, ये सर्कल का आधा हिस्सा है, तो पहले पूरे सर्कल का निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस ए बाई टू है, ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया, आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वन बाई टू, ठीक है। प्लस अब देखिए दोस्तों, अब ये वाला एरिया निकालना है हमें इस पूरे का, ठीक है, इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये ट्रेंगल जो था यहां पे 90 बना रहा था, और इसकी ये वाली साइड स्मॉल ए है, ये वाली साइड स्मॉल बी है, बस काफी है, एरिया निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, एरिया कैसे निकलता है, वन बाई टू ए इंटू बी, एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई, ये तो हाइपोटेनस है ना, कर्ण है ये तो, इसका यूज है ही नहीं, बेस इंटू हाइट। प्लस अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसके एरिया की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये दिख रहा है आपको सेमी सर्कल एक, ये पूरा का पूरा हमारे पास बी है, तो दोस्तों इसका आधा जो होगा ये कितना होगा हमारे पास, बी बाई टू होगा या नहीं होगा बताओ मुझे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसका एरिया भी सेम इसी तरीके से निकल जाएगा, पहले तो ये आधा सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा कर रहे हैं हम लोग,
ये रहा पाई और आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है दोस्तों। माइनस ये ब्लैक वाला बड़ा वाला अर्धवृत्त, बड़ा वाला सेमी सर्कल, ये रहा ब्लैक वाला, देख रहे हैं आप लोग ब्लैक वाला सेमी सर्कल, इसका डायमीटर स्मॉल सी दिया है हमें, स्मॉल सी, ठीक है। तो दोस्तों इसका डायमीटर स्मॉल सी, तो इसकी जो रेडियस होगी वो सी बाई टू हो जाएगी, हो जाएगी यानी सी बाई टू, ठीक है। तो ये भी एक सेमी सर्कल है, तो पहले वन बाई टू तो मैं लगा ही लूं और फिर पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। ये रहा पाई आर स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है दोस्तों। ये रेडियस का स्क्वायर कर दिया हमने सी स्क्वायर बाई फोर। अब दोस्तों देखिएगा आप लोग इसको, देखिए वन टू एंड थ्री, ये तीनों सेमी सर्कल थे। अच्छा इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बताओ मुझे। अच्छा यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो पाई को तो मैं कॉमन ले ही लूं, ठीक है। तो दोस्तों ये ले लिया मैंने पाई को कॉमन, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, इन तीनों सर्कल में से पाई कॉमन आ गया, पाई के साथ ध्यान देना टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, एट भी तीनों में कॉमन है, ये एट भी आ गया हमारे पास। आगे देखिए अब अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा है, पाई और टू फोर जा एट तो बाहर आ गया, अब यहां केवल ए स्क्वायर बचा है, यहां पे केवल बी स्क्वायर बचा है और वहां पे केवल माइनस का सी स्क्वायर बचा है, ठीक है। ये तीनों सर्कल का काम इसी में हो गया और प्लस बीच में क्या चल रहा है, वन बाई टू ए बी, ये चल रहा है बीच में वन बाई टू ए बी, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात अच्छे से सुनिए आप लोग, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना, अच्छा मुझे बताएं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस क्या बोलती है यहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस पता होगा सभी लोगों को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब आधार और कर्ण, ठीक है। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, इन दोनों की जगह मैं क्या फिट कर सकता हूँ, सी स्क्वायर फिट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इन दोनों की जगह क्या फिट करूंगा, सी स्क्वायर फिट करूंगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस का और माइनस का सी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो, और जीरो का इंटू मैं इसमें करूंगा तो ये भी पूरा जीरो हो गया। तो ले देखे ये वाला जो हिस्सा था फिनिश हो गया, जीरो हो गया है ये वाला पूरा हिस्सा। तो दोस्तों हमारा आंसर बस क्या बचा, वन बाई टू ए इंटू बी हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा आंसर वन बाई टू ए इंटू बी, ये तो फिनिश हो गया इधर, बस प्लस का जीरो प्लस वन बाई टू ए बी मतलब वन बाई टू ए बी आंसर हो गया हमारा। अब दोस्तों ध्यान दें ऑप्शन में भी देख लें आप लोग, वन बाई टू ए बी रखा होगा, पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकलता है, एक शॉर्टकट निकल के आता है जो आपको समझना जरूरी है। क्या शॉर्टकट निकल के आता है देखिए आप लोग, दोस्तों ले देखे जो हमारा आंसर आया ना, हमने इन दोनों का एरिया निकाला, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ऐसा ही किया है हमने, इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकाला है। तो इसका और इसका एरिया दोनों का मिला के आया है वन बाई टू ए इंटू बी, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं ये वन बाई टू ए इंटू बी किसका एरिया है, ये एक्चुअली ट्रेंगल का भी तो एरिया है, इस ट्रेंगल का एरिया वन बाई टू बेस इंटू हाइट आप कर सकते हो, यानी ये देखिए इसी ट्रेंगल का एरिया था वन बाई टू अभी। तो ले देखे कंक्लूजन ये निकला है कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि इस हिस्से और इस हिस्से का एरिया बताओ, जैसे कि इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इनका और इनका एरिया बताओ, तो हम ये बोलेंगे कि अगर आपको इन दोनों का एरिया चाहिए तो आप इतने झमेला मत करो, आप तो ये करो कि बस इसका एरिया देख लो क्या होता है ट्रेंगल का, जो इस ट्रेंगल का एरिया होगा वही इन दोनों का टोटल होगा। यानी कि अब जब भी हमसे पूछा जाएगा कि इन दोनों का एरिया क्या होगा, इस हिस्से का और इस हिस्से का एरिया, तो हम तुरंत बोल देंगे कि आप ये दोनों मत निकालो, बस आप ये एरिया निकाल लो इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का एरिया क्या होता है वन बाई टू बेस इंटू हाइट, तो वन बाई टू ए इंटू बी, ठीक है। तो सीधे आंसर आ जाएगा इन दोनों का यहां पे। तो दोस्तों समझ गए आप लोग यहां से, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये बात। तो याद रखना जब भी इन दोनों का एरिया पूछा जाएगा तो इन दोनों का टोटल हमेशा इस ट्रेंगल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वन बाई टू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल देंगे। अब दोस्तों मैं इसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 ने भी पूछा था और सीडीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, और देखना वो कितने शॉर्ट में फिनिश हो जाएगा आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं बोर्ड साफ करता हूं, आप लोग पोस्ट करके देख लीजिए।
चलिए चलिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप लोग, अभी जो मैंने बताया सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कहां पूछा गया, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में, ठीक है। और दोस्तों उससे पहले ये क्वेश्चन सबसे पहले सीडीएस में पूछा था 2011 या 12 के समथिंग, ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना शॉर्ट हो गया है आप लोग समझ रहे हैं। अगर अब ये आगे हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम कुछ सेकंड्स में आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, मैं इसको बना लेता हूं फिर से, ठीक है। लिखा हुआ क्या है वो हमें सब पता है, बस हम बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सेमी सर्कल, ठीक है। और ये ब्लू वाला पेन, ठीक है। एक सेमी सर्कल हमारा ये हो गया, और अब एक हम ले लेते हैं रेड वाले से। तो दोस्तों एक सेमी सर्कल हमारा ये हो गया। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों सेमी सर्कल, ठीक है। और फिर से हमसे कौन सा एरिया पूछा है, यही एरिया नहीं सॉरी यही एरिया पूछा है ऊपर वाला, ये वाले एरिया क्या होंगे। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इनका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो दोस्तों देखिए इसकी साइड समय क्या क्या दी है, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली 21 है, ये वाली 28 है, और ये वाली कितनी है 35 है। 21 28 35 देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों समस्या क्या है, वैसे समस्या नहीं है वो, इन्होंने यहाँ पे 90 बना के नहीं दिया है हमें, लेकिन वो हमेशा 90 होगा, ठीक है। दोस्तों अच्छे से जानिए आप लोग वो हमेशा 90 क्यों होगा। अच्छा ये एक सेमी सर्कल है ब्लैक वाला, ब्लैक वाले पे फोकस करें आप लोग। ये ब्लैक वाला ऐसा क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। अब दोस्तों ये सेमी सर्कल पे जब भी ऐसा ट्रायंगल बनता है, ये जैसे ये बना एक ट्रायंगल, तो दोस्तों सेमी सर्कल पे बनने वाला ट्रायंगल हमेशा 90 बनाता है। ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमेशा कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। क्यों होगा इसका जवाब आपको वहां मिलेगा, ठीक है। चलिए ये तो एक पहलू हो गया कि ये हमेशा 90 होगा, लेकिन एक दूसरे तरीके से भी 90 होगा, आप लोग समझना मेरी बात को। जिसको ये समझ में नहीं आया, जो सोच रहे कि यार ये तो सर ने कुछ भी बता दिया, ठीक है, तो अब दूसरा देखो आप लोग, ठीक है। दोस्तों दूसरा ये है कि इस ट्रायंगल के अगर ये तीनों लोग 21 28 और 35 अगर पाइथागोरस प्रूफ कर जाते हैं, पाइथागोरस इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों अगर जब आप इस ट्रायंगल को, जैसे मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये 21 है, ये 28 है और ये 35 है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जब आप लोगे और पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है, तो पाइथागोरस लगाने पे ये प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं तो पहले देख लेना आप लोग कि ये किसी से कट तो नहीं रहे हैं। अगर आप इनको ठीक से देख रहे हैं तो ये 7 से कट रहे हैं, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, ठीक है। तो दोस्तों आपको 21, 28 और 35 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस किसको चेक कर लो, 3, 4 और 5 को। क्या 3, 4 और 5 पाइथागोरस को प्रूफ कर देंगे? 3, 4, 5 पाइथागोरस को प्रूफ कर देने का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो गया। यही होता है ना पाइथागोरस, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस बराबर हाइपोटेनियस। तो दोस्तों इसको आप देखेंगे ना, ये 9 प्लस 16 25 और इधर भी 5 का स्क्वायर 25, पाइथागोरस प्रूफ हो गई। और पाइथागोरस प्रूफ होगा इसका मतलब ये एंगल 90 का होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा 90 का। वैसे मैं आपको बता रहा हूं ज्योमेट्री पढ़ने के बाद हम यहां सीधे सीधे 90 लगा देंगे, क्योंकि सेमी सर्कल पे हमेशा जो ट्रायंगल बनता है वो 90 बनाता है ऊपर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ इन दोनों का एरिया पूछा था, तो इन दोनों का टोटल इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। तो लगा दूं मैं 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2, जहां 90 होता है ना वहां एक आधार और एक लंब होता है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ये हो गया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए दोस्तों 2 से काट दो इसको, ये जाएगा 14 बार में,
और दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 294। ये हो गया हमारा आंसर 294। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को साफ करता हूँ दोस्तों और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पोस्ट करके डाउनलोड कर लें आप, वो नोट डाउन कर लें इसे। चलिए चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा है एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी एक वर्ग है। अ क्वाड्रेंट इज ड्रोन विथ ए एस सेंटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है मैं ऐसा कैसे बनाते हुए चलता हूं आपके सामने। ठीक है, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले इसने बोला है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो ये बना लिया हमने ए बी सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, अब वो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कैसे, तो वो ये बता रहा है क्वाड्रेंट मतलब एक चतुर्थांश है हिंदी में लिखा हुआ है, और इस क्वाड्रेंट का सेंटर ए है। तो दोस्तों वो तो होगा ही सही, ये क्वाड्रेंट अगर जा रहा है तो ये इसे एक सर्कल कंप्लीट होगा और इस सर्कल का सेंटर ए को बनना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए उन्होंने स्पेशली बोला है कि भैया ए सेंटर है, वो हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है, यहां क्वाड्रेंट बना है तो ए सेंटर होगा ही होगा। और वो बोल रहे हैं एक सेमी सर्कल है, एक अर्धवृत्त है, ये रहा, जिसका व्यास कौन है एडी, यानी डायमीटर जो है वो कौन है एडी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक लाइन को भी जोड़ा हुआ, ये एसी लाइन जोड़ी हुई है, इस लाइन को जोड़ा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि भैया आप लोग ये वाला एरिया निकाल के दो। ये वाला एरिया क्या होगा, ये इनको हमें निकाल के देना है। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एरिया देना है। और हमें लास्ट में बताया गया है कि इसकी हर एक साइड 14 सेंटीमीटर की है, ये भी 14 और ये भी 14। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए आप लोग। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, हमें ये वाला एरिया निकालना है। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम मैं 2 मिनट के लिए ई रख लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो दोस्तों समझना, ए ई बी, इसको देखिए, ये हमारी आइसक्रीम बन गई ए ई बी। अगर इस आइसक्रीम में से मैं इतना इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ए ई बी आइसक्रीम का एरिया निकालना आता है हमें, आपको पता है अच्छे से आइसक्रीम का आता है या नहीं आता है। और दोस्तों ये पता है आधी पत्ती है, पत्ती का एरिया निकालना भी कल हमने सीखा था। ठीक है, अभी फिर से देख लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक दो बार में दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, जैसे मैं क्लिक कर पा रहा हूं ना चीजों को, ऐसे आपके अभी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद करने लगेगा, तो चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, अभी बस आराम से देखिए आप लोग, शुरुआत है। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ए ई बी नाम की जो आइसक्रीम है, ठीक है समझिएगा आप, ये ए हो गया, ये ई हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, और ए बी की लेंथ 14 जो कि इसकी रेडियस होगी, रेडियस होगी या नहीं, अभी मैंने यहां सर्कल बनाया था ना ऐसा, तो इसकी रेडियस होगी 14, ये इस पूरे सर्कल की, यहां भी ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इसे, तो ये रेडियस 14। ठीक है, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लिया, रिविजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान देना, इस आइसक्रीम में से मेरे को इस एरिया को माइनस करना है, तो यहां पे मैं माइनस कर देता हूं ये वाला एरिया, ये एरिया। ठीक है, माइनस करते से हमारे पास ये रेड वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, चैलेंज का काम है, एक तो इसका एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है। अब ये सर्कल का एक हिस्सा है, ये पूरा इसे सर्कल बनेगा उसी का हिस्सा है, और उस सर्कल का सेंटर ए है और ये रेडियस है। ठीक है, अब दोस्तों जब भी ऐसी आइसक्रीम होती है तो यहां एक एंगल होना बहुत जरूरी है, तभी तो इसका एरिया निकलेगा। 2 दिन से पढ़ते आए हम लोग ये चीज। अब इसका एरिया क्या होगा, तो ये एंगल कितना होगा हमें ये निकालना पड़ेगा। कौन सा एंगल, ध्यान देना, ये वाला एंगल ई ए बी, ई ए बी ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा आसान है, देखिए एक्चुअल में क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल पूरा पूरा 90-90 होता है, ये पूरा 90 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों स्क्वायर वर्ग में क्या होगा, ये लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल को, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें। तो ये पूरा अगर 90 का था तो 45 ऊपर चले जाएंगे और 45 नीचे आ जाएंगे,
तो दोस्तों ये जो ई ए बी जो है ये 45 डिग्री का हो गया, तो मैं यहां कितना लिख दूं, 45 डिग्री लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतनी बार? ठीक है, चलिए अब मैं इसका एरिया निकाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्योंकि ये सर्कल का हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन आप देख रहे हैं पाई के फॉर्म में नहीं है ऑप्शन हमारे पास, न्यूमरिकल है ऑप्शन। ठीक है, तो मैं पाई की वैल्यू 22/60 डाल देता हूं। पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 14 × 14। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरे सर्कल का एरिया है, लेकिन ये पूरा सर्कल थोड़ी ना है, ये तो बस 360 में से 45 है, तो ये मैंने लिख दिया कि ये तो 360 में से बस 45 था। माइनस, ये माइनस करना है हमें दोस्तों, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है ये वाली चीज, इसे हम ऑलरेडी पढ़ के आए। मैं आपको बताऊं कहां पढ़ा है हमने, तो देखिए आप लोग, जब भी ऐसा स्क्वायर होता है और ये एक सेमी सर्कल है, ऐसा ही सेमी सर्कल है ये। ठीक है, और ये एक लाइन है यहां पे ये, और हमें इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया। ठीक है, ये वाली पत्ती का एरिया चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आधी पत्ती है। कैसे आधी पत्ती है, मैं आपको याद दिलाता हूं, कल हमने क्वेश्चन करा था, यहां से एक हिस्सा गया था, एक हिस्सा ऐसा था और एक हिस्सा ये था। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक लाइन तो ये यहां से गई हुई है ऐसी। ठीक है, एक लाइन हम यहां से भी मिला देते हैं। आप तो बस ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कल किया था या नहीं किया था, हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए ये चारों पत्तियों का एरिया आपस में बराबर होता है, ये वाली पत्ती ले लो पूरी की पूरी, ये वाली पत्ती ले लो, ये वाली पत्ती ले लो, ये वाली पत्ती ले लो, चारों का एरिया बराबर होता है। और ये आधी आधी पत्ती हो जाती है, ये आधी इधर है और आधी पत्ती इधर है, ऐसा भी बोला जा सकता है, वो लाइन बिल्कुल बाइसेक्ट कर देती है पत्ती को। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस पत्ती का एरिया कैसे निकलता है, तो ध्यान देना, ये पूरी लाइन हमारे पास 14 की है, 14 की है, ये देखिए पूरी लाइन 14 की है, और हमें बहुत अच्छे से पता है इस पत्ती को लेके यहां एक स्क्वायर तैयार हो जाता है। पत्ती पे क्या तैयार होता है, स्क्वायर। ठीक है, और वो जो स्क्वायर जो वर्ग तैयार होता है उसकी हर एक साइड इससे आधी होती है, ये 14 तो ये कितना होगा, 7 7 7 7। ठीक है दोस्तों, ये हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2-3 जगह हमने यूज करा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो कल वाली क्लास आप जरूर देखें, वहां ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सब बताया गया है कि ये आधा क्यों हो जाता, यहां स्क्वायर क्यों बन जाता है ये भी वहां बताया गया है, ये आधा क्यों हो जाता है ये भी वहां बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है यहां तो आप पिछली क्लास देख लें, तो वहां से पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये स्क्वायर बना, तो स्क्वायर बनते से अगर आपको पत्ती का एरिया निकालना है, पूरी की पूरी पत्ती निकालनी है, तो पत्ती का एरिया होता है 4/7 a². ठीक है, ये हमने पढ़ा है कल वाली क्लास में। तो दोस्तों पूरी पत्ती का एरिया होता है 4/7 a², जहां पे a कौन होता है, a वो होता है जो इस पत्ती के ऊपर स्क्वायर बन रहा है। देखिए इस पत्ती के ऊपर ये स्क्वायर बन रहा है, तो इस स्क्वायर की जो साइड है ना उसे हम a बोलते हैं। तो ये 7 × 7, a का वैल्यू 7 है, स्क्वायर की साइड 7 है। अच्छा, 7 से 7 गया दोस्तों, 4 7 जा कितना हो गया आपका, 28 हो गया, ये हो गया हमारा 28। ठीक है, अब दोस्तों ये पूरी पत्ती है जबकि ये आधी पत्ती है, ये देखिए ना आप, ये वाला पोर्शन तो आधी पत्ती में आ रहा है, ये वाला पोर्शन है ये आधी पत्ती वाला, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हैं आप लोग, ये आधी पत्ती है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर पूरी पत्ती 28 की है तो आधी पत्ती कितने की होगी, 14 की होगी या नहीं होगी? तो मैं यहां 14 लिख दूं इस पत्ती का एरिया, ये 14। तो दोस्तों थोड़े समय बाद क्या होगा, मैंने अभी बहुत समझाने में टाइम लिया है क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, अभी थोड़े समय बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके दिमाग में चीजें इंस्टॉल हो जाएगी और फिर बहुत मजा आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब यहां देखिए आप लोग, 45 और 360 को काटेंगे ना आप, तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 को 2 से काटो 2 बार में, ये जाएगा 7 बार में, 2 से ये गया 11 बार में। ठीक है दोस्तों, 11 × 7 77 हो जाएगा, 77 में से 14 को माइनस करना है हमें। ठीक है, 77 − 14, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 63 63। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें, मैं इतना साफ कर लेता हूं बोर्ड।
तो दोस्तों मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान रहे, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन मैं आपको चीजें बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। द फिगर इज मेड अप ऑफ अ क्वाड्रेंट, अ स्क्वायर एंड अ सेमी सर्कल। तो एक तो वर्ग है, एक चतुर्थांश है और एक अर्धवृत्त है। तो दोस्तों ये मैं बनाते हुए आपको समझाते हुए चलता हूं, ठीक है। देखिए आप लोग सबसे पहले तो इन्होंने हमें एक स्क्वायर दिया है, एक वर्ग दिया है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक ऐसा क्वाड्रेंट दिया है हम लोगों को, ये क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद ये एक अर्धवृत्त दिया, एक सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या बना हुआ है तो आप देख रहे हैं, यहां से एक लाइन स्ट्रेट यहां आ गई है ये, ठीक है। और एक लाइन इन्होंने यहां से यहां भी कनेक्ट कर दी है ये, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब आप लोग धीरे धीरे समझना मेरी बात को, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कौन सा एरिया पूछा है समझिएगा आप लोग, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया, ठीक है, और एक ये वाला एरिया। तो दोस्तों मेरी बात समझिएगा आप लोग, इन्होंने एक एरिया इधर दिया है, एक एरिया इधर दिया है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये आधिपत्ति है, आधिपत्ति है या नहीं है ये, और ये भी आधिपत्ति है, सेम। समझना, जो नहीं समझ पा रहे मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूं। इधर जैसे ये एक स्क्वायर होता है और ये एक सेमी सर्कल है, ये जैसे ये सेमी सर्कल है और एक लाइन यहां से यहां आ रही है, ठीक है। अब समझना दोस्तों आप लोग, मैं पूरा कंप्लीट करता हूं अपना वो वाला क्वेश्चन जिसका हर जगह यूज है, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, ये लाइन। अब दोस्तों इसने क्या करा, एक लाइन यहां से यहां भी कनेक्ट की है, ये भी मैं कनेक्ट कर देता हूं ये, ठीक है, ये कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है। अब चाहूं तो मैं सीधा ही ले लूं दो मिनट के लिए इसको ऊपर तक, तो वही मामला हो गया यहां पे। अब दोस्तों मुझे बताओ, ये सेम जैसे इन्होंने क्या दिया है, ये पत्ती मैंने ब्लू कलर से की हुई है यहां पे, ये देख रहे हैं ये पत्ती आधी पत्ती है। तो दोस्तों क्या मैं ये आधी पत्ती यहां से हटा के यहां ले लूं क्या, वही आधी पत्ती यहां हो जाएगी। जैसे देखिए ये पूछ रहा है इसका एरिया और इसका एरिया बताओ, तो मैं काम करता हूं ये वाला एरिया यहां से हटा लेता हूं, यहां से हटा लेता हूं ये वाला एरिया और इसको यहीं पे फिट कर देता हूं ये। तो कहने का मतलब ये पूरा निकालना है मेरे को, ये पूरा का पूरा, ये इतना इतना, ठीक है। यहां से मैंने हटा के यहां पत्ती को फिट कर दिया, ठीक है, बात तो वही होगी। या चाहे टुकड़ों में निकाल लो या एक साथ निकाल लो, तो हमने एक साथ निकाल लिया इस चीज को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप समझिएगा, अब बड़ा आसान है आगे का खेल, ठीक है, अब आगे का समझिएगा दोस्तों आप लोग। अच्छा हमें इसके बारे में क्या दिया है पता है, एक लाइन और है। अगर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो एरिया है ना दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हट गया हो तो आप थोड़ा सा बेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 144, क्षेत्रफल 144 है इस पूरे स्क्वायर का। दोस्तों आपको पता है स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है, साइड इंटू साइड, भुजा और भुजा का गुणा कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, मतलब साइड इसकी एक जैसी होती है। मुझे ये बताओ इसका एरिया 144 है तो ऐसे कौन से एक जैसे दो नंबर ले लूं मैं जिनका मल्टीप्लाई 144 हो जाए, तो आप समझ रहे हैं वो 12 है, 12 का ही मल्टीप्लाई 144 होगा, ठीक है। तो एरिया 144 दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो साइड तो निकालना बड़ा आसान खेल है, 12 12 हो गए, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिए, हमें कैसे भी करके ये वाला एरिया निकाल के लाना है। तो समझिए आप लोग, मैं क्या करूंगा, ये हमारी आइसक्रीम रही पूरी की पूरी, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये आइसक्रीम रही ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये आइसक्रीम मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये बना ली मैंने पूरी आइसक्रीम, और आपको ये बहुत अच्छे से पता आइसक्रीम में ये एंगल 45 डिग्री का है। अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा हमने, विकर्ण हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इस आइसक्रीम में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, पूरी आइसक्रीम तो निकाल लेनी है हमको, इसमें से कुछ माइनस, तो ये ट्रेंगल वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा मुझे, ये ट्रेंगल वाला हिस्सा, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रेंगल में बना लेता हूं, ये माइनस कर देता हूं,
माइनस करते से ये ब्लू वाला पूरा का पूरा हिस्सा हमारे सामने होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो समझिएगा, आइसक्रीम का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। ये रेडियस हमें 12 दी गई है, ये 12 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, अच्छा ऑप्शन इसके आप देख रहे हैं, ऑप्शन आपने देखे थे ये पाई के फॉर्म में थे या न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो आपने ऑप्शन देखे होंगे तो ये पाई के फॉर्म में थे इसके ऑप्शन। तो हम यहाँ पाई का यूज करते हैं, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 12 × 12, ठीक है, रेडियस 12 है। और दोस्तों ये साथ में 360 में से केवल 45 है माइनस। अब दोस्तों इसका एरिया कैसे निकालोगे आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। तो दोस्तों बहुत आराम से चलते हैं हम लोग, देखिए आप लोग इसका एरिया कैसे निकलेगा समझना आप लोग, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा ब्लू भी कर देता हूं, ये वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो दोस्तों समझिएगा आप लोग, ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, और ये इस प्रकार से मैं कर लूं तो ये दो डायगोनल है, और हमें चाहिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया। देख रहे हैं आप लोग, यही वो ट्रायंगल है, समझ रहे हैं आप लोग। इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये डायगोनल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बीचों बीच में से जा रहा है। तो हमें अब इसका एरिया निकाल के देना है इनको क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों समझना बड़ा आसान है, हमारा स्क्वायर 12 × 12 का है, ये तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ 90 है, तो पाइथागोरस लगा के इसकी लेंथ भी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी इसकी लेंथ पाइथागोरस लगा के, ठीक है। दोस्तों पाइथागोरस लगाना सबको आता होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी पूरे की लंबाई अगर आप निकालोगे, जैसे मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी, तो दोस्तों भाई पाइथागोरस से एसी की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 12√2। पाइथागोरस तो आप लोग लगा लोगे, बहुत आसान काम है, ठीक है। दोस्तों याद रखें, जब भी साइड 12 हो और आपको विकर्ण निकालना हो डायगोनल, तो बस उसमें √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। या तो पाइथागोरस लगा लें या ये इसका शॉर्टकट है, इसको ऐसे भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एसी हो गया हमारा 12√2। अब दोस्तों समझना आप लोग, अगर ये वाला डायगोनल 12√2 है तो डेफिनेटली ये भी 12√2 होगा, दोनों सेम है, इधर भी ये भी 12, ये भी 12, तो ये भी 12√2 ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, स्क्वायर में ये दोनों बाइसेक्ट भी करेंगे बिल्कुल बराबर बराबर, तो ये पूरा 12√2 का है, अगर पूरा का पूरा कितने का है 12√2 का, तो ये इतना इतना कितने का होगा 6√2, और ये इतना इतना भी कितने का होगा 6√2, ये भी 6√2 और ये भी 6√2 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दें, ये भी 6√2 और ये भी कितना हो जाएगा 6√2, ठीक। तो दोस्तों ये समझ में आया आपको 6√2 6√2। और दूसरी बात अब देखिए आप लोग, स्क्वायर ऐसा होता है जहां पे डायगोनल्स विकर्ण जो होते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको स्क्वायर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी इसका बीच में यूज आ गया है, तो मैं इसकी बहुत नॉर्मल सी बातें, कोई बहुत बड़ी टॉप चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये एसी निकालना बड़ा आसान था पाइथागोरस से, फिर हमने एसी 12√2 को 6√2 और 6√2 में बांट दिया, ये भी आसान है। अब तीसरा काम, एक बात और, इसके डायगोनल एक दूसरे को दोस्तों 90 डिग्री पे कट करते हैं, कितना डिग्री पे कट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है। तो अब तो एरिया आ ही जाएगा, ये भी 6√2 है, ये भी 6√2 है, तो एरिया कैसे आ जाएगा भैया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 6√2 × 6√2। ये बेस और ये हाइपोटेनियस ही होगा ना, जहां 90 बनता है उसके पास में बेस और हाइट आधार और लंब, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बस इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा फिर 45 से 360 8 बार में गया। अब इसको 4 से काट देते हैं 2 बार में, 4 से ये 3 बार में, 2 से फिर ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, 6 × 3 = 18 पाई, तो ये हो गया इधर, ठीक है। ये मैं यहां लिखता चलता हूं, 18 पाई माइनस। अब दोस्तों √2 और √2 2 हो गए मिलके, तो ये 2 से दोनों कट जाएंगे, √2 √2 2 हो जाएगा, तो और 6 × 6 = 36, तो माइनस हो गया यहां पे हमारा 36, 18 π − 36, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो दोस्तों अभी याद रखना, मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि ये बहुत डिफिकल्ट मामला चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मुझ पे विश्वास कीजिए आप लोग, कि आप अगर 7 या 8 क्लासेस देख लेंगे या 3 या 4 भी पूरी पूरी क्लासेस देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, संयम बनाए रखें आप लोग, ठीक है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग चाय कॉफी लेके बैठे और इंजॉय करते रहें इस चीज को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों,
नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।